काउंसिल्स की गलियां और मैं यहाँ जिस जगह रुका हुआ हूँ ये बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रीट है। देख सकते हैं यहाँ का सुबह की मॉर्निंग और दिखना है भाई। ओ मार्क ने मेरे लिए सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट बनाया है। कॉफ़ी मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल हाउस ऑफ Mr. Mark. Good morning, Mr. Mark. Hi. How are you? I'm okay. And seriously, thank you very much for the lovely breakfast. Okay. You're welcome. Wow. Okay, so I'm going to eat the avocado because Mark ne mujhe dikha diya tha. Oh, it's a very fresh avocado. Aur ye jo hai, ye ise hume bahar fekna hai. और सिंपली कुछ नहीं करना, स्पून लेनी है, इसको ये किया और दैट्स इट। सो ये है घर बेल्जियम में, बहुत ही शानदार लोगों ने घर बना रखे हैं अपने, बहुत ही शानदार सीरियसली। और देखो यार, रोड पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, एक भी गंदगी नहीं। लेकिन यहाँ पे पता है खास बात क्या है, यहाँ मिट्टी है ही नहीं, ये विदाउट मिट्टी के है। और जब मिट्टी नहीं होती तो गंदगी भी नहीं आती घर के अंदर। तो देखो क्या क्लीनिंगनेस है यार, शानदार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आफ्टर हैविंग माय सुपर ब्रेकफास्ट एंड एवोकाडो मैं जा रहा हूँ ब्रुसेल्स घूमने। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज मुझे बार्सिलोना जाना है। बट येस, मैं यहाँ का आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है ब्रुसेल्स का वो दिखाने वाला हूँ। कल का जो दिन था वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग रहा, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मैंने बताया ना, इंडिया में आने वाले 20-25 सालों में भी सोची नहीं जा सकती। इट्स टोटली अनबिलीविंग चीज़। बट येस, आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ द मोस्ट ब्यूटिफुल काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ ब्रुसेल्स। फर्स्ट टाइम की शॉर्टेज है तो मैंने करी है टैक्सी टू गो मनेकिन पीस एंड आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव ओनली 1 hour, सो क्विकली आई हैव टू सी द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिस कंट्री। लास्ट टाइम भी जब मैं ब्रुसेल्स आया था तो मैं ऐसे ही भागते भागते यार भागते भागते गया। आपकी बार भी मैं भागते भागते आया हूँ और भागते भागते ही जा रहा हूँ। यू नो ब्रुसेल्स में कुछ ऐसा है कि जो मुझे रुकने नहीं देता यहाँ पे। कल वैसे मेरा प्लान था बट आई चेंज माई प्लान और मैंने बहुत अमेजिंग जगह देखी, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट हाँ, यहाँ का जो मेन जो हाउ वी कॉल मिसिकन पीसी मनेकिन पीस जो जगह है, मतलब जो चीज़ है, यस आई नो, सो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ मनेकिन पीस। तो स्टे ट्यून। वैसे अगर आपको कहीं पे भी जल्दी जल्दी जाना हो तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। ऑल दो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, बट क्योंकि टाइम की अगर आपके पास शॉर्टेज है तो यस, आई सजेस्ट द टैक्सी। मैंने जो टैक्सी ली है वो गरे दे मुदी, जो कि यहाँ के बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन और ट्रेन सभी को गरे दे मुदी, गरे का मतलब होता है मेरे ख्याल से स्टेशन। और यहाँ से मनेकिन पीस जाने के लिए मैं लगभग 15 यूरो के आसपास इनको पे करूँगा, जो कि अगर मैं मेट्रो से जाता तो मैं ये पैसा बचा सकता था, बट क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है एंड लाइफ में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। आपका बिल कैसे आएगा? ये डायरेक्ट यहाँ पे जो मीटर है वो इसके मिरर में है। तो मैं आ चुका हूँ ब्रुसेल्स के सेंटर में और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो चीज़ें, मैनिकिन पीस जो कि बहुत ही फेमस थिंग है यहाँ पे, ऑल्दो वो बहुत अलग है, और यहाँ पे एक पैलेस है जिसका नाम है ग्रैंड पैलेस। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको क्विकली दिखाने वाला हूँ बेल्जियम की ये गलियाँ। बेसिकली मैं ये बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, मेरे इस साइड में मैनिकिन पीस है और जस्ट अपोजिट साइड में है ग्रैंड पैलेस। और ये यहाँ का बिल्कुल सेंट्रिक पॉइंट है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है ये।
बेल्जियम में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है यहाँ की चॉकलेट्स। चॉकलेट्स यहाँ पे बहुत ही फेमस है। मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रेंच फ्राइज। लोगों ने आलू का पूरा खजाना रख रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है ये है यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है वो है ये मैनिकन पीस। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ का सबसे फेमस चीज जिसे हम बोलते हैं मैनिकन पीस। वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे जो सुसु कर रहा है, वैसे जनरली वो न्यूड रहता है, आज उसे ड्रेस पहनाई गई है क्योंकि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये साइकिलिंग का कोई ग्रुप है जिसको सेलिब्रेट कर रहा है। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आफ्टर 2018 मैं यहाँ पे आया था, 5 सालों बाद, मतलब 5 साल में एक सरकार बन जाती है। और मैंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया कि 5 साल बाद अभिषेक शेखावत यहाँ पे आया, और नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद फिर पक्का आऊँगा, मतलब 2028 में भी आने का मेरा मिशन है। और अब की बार एब्सोल्यूट अभी की सरकार। उसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेप्स भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स की टॉपिंग्स हैं, एंड सीरियसली दिस इज सो डिलीशियस। इनको देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही डिलीशियस होंगी। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के क्रेप्स, पैनकेक्स और वेफल्स खा सकते हैं, और टॉपिंग्स ये जो अभी मैंने आपको दिखाई ये वाली कोई भी टॉपिंग्स आप ऐड करवा सकते हैं या हटवा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फ्रेंच फ्राइज के अलावा आपको वेफल्स भी ज़रूर ट्राई करने चाहिए। मैं भी आ चुका हूँ फ्रेंच फ्राइज खाने, एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस फ्रेंच फ्राइज, और इसकी जो रेट है वो है 4 यूरोस। आई वॉन्ट दिस वन प्लीज़। मैंने ऑर्डर कर दिया है मेरी फ्रेंच फ्राइज, और क्योंकि ये भी एक ब्रुसेल्स में आने के बाद आपको फ्रेंच फ्राइज ज़रूर खानी चाहिए, तो मैं मेरा जो वादा था वो पूरा कर चुका हूँ, दोनों वादे। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ का ग्रैंड पैलेस है, वो एक बोनस होगा। नॉन स्टॉप क्लाइंट्स आए जा रहे हैं, सब लोगों ने वेट कर रहे हैं, और ये फ्रेंच फ्राइज दिए जा रहा है, और यहाँ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉस हैं। मेरी फ्रेंच फ्राइज आ चुकी है, ये डिफरेंट है। मैंने ये इस टाइप की फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर की है, इसमें कुछ मसाला वसाला भी लगा हुआ है। फाइनली आई एम गोइंग टू ईट दिस। कुछ जगह जगह फ्रेंच फ्राइज बेचने वाले मिल जाएंगे, देख सकते हैं सबने पोटैटोज भी रख रखे हैं, और ये यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज है। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी मूर्ति सी कुछ है, वैसे ये मेटल है, बट बेचारा लेटा हुआ है यार। और इस साइड में है ये ग्रैंड पैलेस, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार। तो मैं आ चुका हूँ ब्रुसेल्स के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जो उसका नाम है फिर भूल गया, मेक्सिकन पीस। उसके अलावा जो आप विज़िट कर सकते हैं वो है ये ग्रैंड पैलेस। आप देख सकते हैं ग्रैंड पैलेस बहुत ही शानदार है। मैं अभी आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखा दूंगा, मतलब बैक कैमरे से, फ्रंट से तो मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ। बहुत ही शानदार बनाया हुआ ये है ग्रैंड पैलेस
of Brussels. शानदार। ये वो प्लेसेस हैं जो वहाँ पर आप आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं इस ग्रैंड पैलेस को देखते हुए। आई जस्ट लव दिस लोगो। यू कैन सी द ओल्ड वन एंड यू कैन सी द न्यू वन ओवर हियर। भाई ये लड़कियां इतना बड़ा ट्रक चला रही है। सब खा लूँ मैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। वाह, आई एम गोइंग टू हैव टू, ये चॉकलेट वाला और ये क्रीम वाला। तो मैंने बस ले ली है अगेन ब्रुसेल्स टू पेरिस के लिए और हम लोग अभी एक मिडवे पे रुके हुए हैं और मिडवे पे आई एम गोइंग टू हैव समथिंग। ऑल दो मैंने अब क्यू आर है ना बहुत सारा खाना वाना रख लिया था मेरी गाड़ी के अंदर, मतलब मेरे बैग के अंदर। मैं सो रहा था अभी जब बस रुकी तो नींद आ रही थी भयंकर वाली। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मिडवे कैसा होता है। कॉफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, सेल्फ सर्विस है ऑलमोस्ट सब चीज़। हर जगह आपको कॉफ़ी मशीन देखने को मिलेगी। वाह, मुझे इसमें लिखा हुआ है सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये किस बारे में है। वॉशरूम्स, सो आई एम गोइंग टू हैव माई कॉफ़ी ऑल्सो और हम भी बनाएंगे यहाँ पे कॉफ़ी। ओहो, कॉफ़ी मशीन पे वेटिंग लिस्ट चल रही है। सो ले ली है हमने हमारी कॉफ़ी कैफे लाते जो कि मुझे पड़ी है 3 यूरो की। 3 यूरो नॉट बैड मिडवे पे, क्योंकि मैंने पेरिस में जो कॉफ़ी की रेट पे की थी वो ऑलमोस्ट 6 यूरो के आसपास थी विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट हाँ, यहाँ फ्रांस में और बेल्जियम वगैरह ये जो अदर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत ही महंगी है कॉफ़ी की रेट। चीयर्स। वाओ, कॉफ़ी इज़ द बेस्ट। अभी मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी। पुलिस वाले आए और एक डॉग के साथ आए और उन्होंने पूरी बस को चेक किया, क्योंकि ये 2-3 डिफरेंट कंट्रीज से होती हुई जा रही है। हर कंट्री बॉर्डर पे ऐसे पुलिस वाले आते हैं, चेक करते हैं, इवन वो आपका आइडेंटिटी कार्ड भी मांगते हैं कि वेदर यू आर लीगल और इलीगल। और जो जो उनके साथ में जो डॉग थी फुल ऑन, मतलब उसने एक एक बैग को सुना और हम सबको ये बोला कि अपने अपने बैग साइड में रख दो। तो यार बड़ी गजब का ये चीज़ है। मैंने मुझे पता था ऐसा सिक्योरिटी चेक होता है ड्यूरिंग जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बट देखा पहली बार है। हमारी बस में 2 जने मिले हैं जिनके पास हो सकता है शायद ड्रग्स मिले, वो और वो लड़का। वाओ, और मैं आ चुका हूँ वापस यहाँ पे एंड यू कैन सी ये कैसे एक्सरसाइज पुशअप्स लगा रहे हैं सब यहाँ पे। सीरियसली
वायलिन मैंने अभी तक कभी सुना नहीं है, बट आई कैन सी एंड हियर यू कैन सी द डांस. This is going to be my food. ये है chicken with rice and I don't know which sauce is this. But this is going to be my dinner for tonight. आपको suggest करूँगा कि कभी Coca-Cola नहीं पीनी चाहिए, but जब आप traveling कर रहे हो तो yes, you have to eat with your food. This is going to be my night travel. And the buses. बहुत शानदार बस है. सो आज रात मैं इसी बस में सोने वाला हूँ, बिकॉज मुझे शायद कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे यहाँ पे ट्रैवल करने में. सो हैप्पी जर्नी टू मी. सेकंड मिड डे आया है और यहाँ पे यू कैन बाय लॉट्स ऑफ थिंग्स. मिडवे पे सब कुछ मिलता है, ऑयलिंग वॉयलिंग. सैंडविचेस ऑलिव्स यहाँ सब कुछ मिलता है. इतने तरह के डिफरेंट ड्रिंक्स है, एवियन वाटर भी है. सब कुछ मिलेगा. रेड बुल कितनी बड़ी है यार. Oh my God. Chocolates, everything is here. Going to buy these things. ये दूध है. मैं यार मुझे हमेशा से दूध पीना बहुत भयंकर पसंद है. मैं पूरी पूरी बोतल पी जाऊंगा अभी. तो जो पेमेंट होता है वो भी डायरेक्ट मशीन पे होता है. हाउ मच? डायरेक्ट यहाँ दे दीजिए. इस नोट को आप यहाँ ऐसे करते हैं और यहाँ पे आपको एक चेंज वापस मिल जाएगा. मेरा पेमेंट कंप्लीट. ट्रे में इस तरह के बाथरूम होते हैं, इन्होंने इतना ब्लू कर रखा है.